बैंक निफ्टी में गिरावट का सिलसिला जारी है। यूएस के मार्केट्स 200 दिन के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और कई इंडेक्सेस ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को वापस तोड़ दिया है। क्या रहेगा मार्केट आने वाले दिन में, कहाँ निफ्टी सपोर्ट ले सकती है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, स्टॉक है जो सेटअप हो रहे हैं जिन्हें हमें अपने वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2022। सबसे पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काम करना है। सबसे पहला आपको ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताएं। साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए उनके साथ ये चैनल को जरूर शेयर करें। तो बिना किसी और समय को वेस्ट करें हम आते हैं सीधा अपने निफ्टी के डेली चार्ट पे और निफ्टी के डेली चार्ट पे आप फॉर्मेशन देख सकते हो, एक गैप डाउन। तो कल एक बेरिश कैंडल बना और उसके बाद आज एक गैप डाउन हुआ। आज आप अगर आप देखोगे तो 0.5% से ज़्यादा की सेलिंग आई है और पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग डे है आज हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर बेयर्स की जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई दे रही है। बुल्स थोड़े बहुत वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि हम लोगों ने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ नहीं ठहर रहा है, अगर यहाँ नहीं ठहरेगा तो फ्रेंड्स आप ये समझ के रखिए कि हम वापस 17,600 से लेकर 17,400 के जोन को टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी यहाँ पर ठहर जाए, यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर निफ्टी यहाँ नहीं ठहरेगा तो नीचे वाला लेवल हम लोग को देखने मिलेगा। डेली चार्ट पे भी हम आर्ली चार्ट पे भी आते हैं तो आर्ली चार्ट पे अगर आप देखिए मोमेंटम थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI जो है 60-40 के बीच में पहुंच गई है और यहाँ पर प्राइस देखिए ऑलमोस्ट एकदम पूरा फ्लैट हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पर जो प्राइस को यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। अगर प्राइस यहाँ नहीं थमेगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें 17,600 से लेकर 17,400 के जोन में मूवमेंट मिले। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हुई आज की, ऊपर की तरफ एक सप्लाई एरिया डेवलप हो गया। तो यहाँ पर नीचे से जब भी मूव, ये जो यहाँ पर निफ्टी ने जो बॉटम बनाया था उसके बाद एक बार भी हम लोगों को ऊपर की तरफ कोई सप्लाई एरिया डेवलप होता हुआ नहीं दिखाई दिया था। अभी यहाँ पर एक सप्लाई एरिया ऊपर की तरफ डेवलप हो गया है। तो 18,100 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटना ज़रूरी है। ये टूटेगा तो सप्लाई जो है वो हार मानेगी और उसके बाद ही निफ्टी वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। अभी आउटराइट बेरिश नहीं, ऑफकोर्स आउटराइट बेरिश नहीं है। हम अभी बिल्कुल भी सजेशन नहीं देंगे कि आप मार्केट को सेल करो। मार्केट अभी भी बुलिश जोन में ही है लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट और करेक्शन कर रही है। हमें वेट करना है कि हमें ये देखना है और वेट करना है कि जो मेजर की लेवल्स हैं उनको कैसे होल्ड करती है। और अगर वो मेजर की लेवल को होल्ड करके बाउंस करती है तो ये एक पॉजिटिव नोट रहेगा। और कल एक्सपायरी का दिन भी है तो हो सकता है कि कुछ शेकआउट वगैरह का गेम जो है इंसाइडर्स या बड़े भाई जो हैं वो खेलते हैं वीक हैंड्स को हिला देने के लिए। तो कल ये गेम भी सबसे ज़्यादा होगा। तो कल की जो कैंडल है, कल का जो प्राइज एक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिसिसिव प्राइज एक्शन होगा, हमारी ये आशा है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप ऑफ मूवमेंट हम लोगों को देखने मिली। गैप डाउन होता है और फिर ऑलमोस्ट अपने लोस के पास बंद होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक से समझो तो आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट वीक हो रहा है या किस तरह से मार्केट आने वाले दिनों में बिहेव कर सकता है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर एक पूरी वीडियो हम लोगों ने आज रिलीज़ की है और वो यूट्यूब पे है। इस वीडियो के जस्ट पहले वाली वीडियो है। बहुत जन लाइक कर रहे हैं, बहुत जन उसको देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर उसको देखकर अपने सुझाव विचार जरूर हमें बताएं। तो यहाँ पर देखिए गैप डाउन होता है और ये गैप पूरे दिन में फिल नहीं होता है और मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी जो है अगर और नीचे आए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी 37,300 पे आ जाए। तो हम आर्ली चार्ट पे आते हैं तो एक लेवल को और थोड़ा सा नज़दीकी से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सप्लाई एरिया बैंक निफ्टी में भी डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 38,500 से लेकर
38,200 से लेकर 38,500 के आसपास एक सप्लाई एरिया डेवलप हो गया है। तो बैंक निफ्टी को अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ करना है तो बहुत जरूरी है ये सप्लाई एरिया को तोड़े और उसके बाद आगे की तरफ ऊपर मूवमेंट करे। डिमांड जोन या एक सपोर्ट जो है 36,800 के आसपास है, जो हम लोगों ने कल ही आपके साथ डिस्कस किया था, वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि देखिए गैप का एरिया है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ होल्ड नहीं करती तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 37,000 के लेवल्स को बैंक निफ्टी होल्ड करेगी, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है और एक राउंड फिगर भी है। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में हमारी एनालिसिस। अब एक बार हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखते हैं और ग्लोबल मार्केट में हम आपको दिखाते हैं कि यूएस के स्टॉक मार्केट क्या कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त और भारी गिरावट यूएस के स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। ये S&P 500 का चार्ट है जो कि अभी तक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा था, और यहाँ पर देखिए अभी आज के प्राइस एक्शन ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। तो अब ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि या तो यहाँ से पुल बैक करे, और या कल आज पुल बैक कर जाए या कल पुल बैक कर जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी आपसे डिस्कस किया था कि आने वाले 2 दिन का प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी हो जाएगा वर्ल्ड मार्केट्स के लिए भी। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को वापस तोड़ना एक अच्छा सिग्नल नहीं हो सकता है अगर 1-2 दिन में ये वापस रिकवर नहीं कर जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है आज यूएस मार्केट्स में। बाकी अगर आपको ध्यान है कि कल हम लोगों ने आपके साथ बात की थी 4 घंटे के चार्ट पे कि रसल 2000 जो है वो एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और किस तरह से देखिए हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन टूटी और जो प्राइजेस है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो देखिए ये हेड एंड शोल्डर इस तरह से बनता है, और एक हाई प्रोबेबिलिटी हेड एंड शोल्डर था और अकॉर्डिंगली उसने अपना काम किया। तो ये यूएस जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, रसल का इंडेक्स है, उसकी एनालिसिस ये थी। बाकी अगर हम बिटकॉइंस पे आते हैं तो बिटकॉइंस में भी देखिए भारी गिरावट है, और ये अपने इस ब्रेकअवे गैप को भी अभी क्लोज कर रही है। और देखिए ये चैनल के अंदर ही है, लेकिन एक बार इस चैनल को ब्रेक कर दे और यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है, एक बार इस चैनल को ब्रेक कर दे देन बिटकॉइंस की भी कहानी हो सकती है यहीं पर ख़त्म हो जाए और हमें वापस एक लेग नीचे की तरफ देखने को मिले। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि यहाँ से बिटकॉइन रिकवर करके वापस ऊपर की तरफ जाए। अगर नहीं करता है तो ये पक्की बात है कि अब वापस हमें ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में वापस हो सकता है एक लेग नीचे का देखने को मिल जाए। तो आने वाले 2 दिन की प्राइस एक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स कमोडिटी में मैं आपके साथ एक बार नेचुरल गैस डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेचुरल गैस देखिए ऑल टाइम हाईस के पास आ चुका है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो नेचुरल गैस बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है ऊपर की तरफ। ये क्योंकि कमोडिटीज़ में अगर ट्रेंड शुरू हो जाती है ना फ्रेंड्स तो वो रुकती नहीं है, तो नेचुरल गैस भी आप देख सकते हो अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो करते हो तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करें नेचुरल गैस, तो आप नेचुरल गैस को ऑफकोर्स अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। देखिए हमारे मेंटीज ने यहाँ पर नेचुरल गैस का ट्रेड भी मारा था, और उन लोगों ने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, और देखिए किस तरह से ये ट्रेड करते हैं, किस तरह से आप समझिए किस तरह से इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो धीरे धीरे बन चुकी है, और किसी भी मार्केट कंडीशन में ट्रेड करके पैसे कमाने की हिम्मत रखते हैं। तो एक ट्रेड अगर आपका सही लगता है तो आपने जितने इन्वेस्ट किए हैं मास्टर ट्रेडर में प्रोग्राम में वो आपको पूरा रिइम्बर्स हो जाता है। उसके बाद भी बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारे चार्ट शेयरिंग, बहुत कुछ होता है हमारे इस मास्टर ट्रेडर के ग्रुप में। पहला स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो IIFL सिक्योरिटीज़ है। IIFL सिक्योरिटी देखिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, काफ़ी बड़ी ट्रेंड लाइन जो थी उसको तोड़ी है, और ये काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकला है, RSI भी 60 के ऊपर है। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फ्रेंड्स देखिए हम आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको यहाँ पर किस तरह से टेक्निकल टूल्स काम करते हैं स्टॉक के साथ वो आपको हम बताते हैं। तो हम ये हमारी आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए ये आपको आपके साथ डिस्कस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है और टेक्निकल एनालिसिस से क्या एलिमेंट है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आप देखिए सीमैक अगर आप देखोगे, सीमैक एक बहुत ऑल टाइम हाईस पे ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस है कंसोलिडेट कर रही थी, और उसके बाद एक आज एक अच्छी वॉल्यूम्स मिली है। तो एक बार इस कंसोलिडेशन से प्राइस बाहर निकल जाए तो सीमैक में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। RSI भी जो है 60 के ऊपर अच्छी तरह से प्लेस है। ग्रेफाइट इंडिया अगर आप देखोगे तो ग्रेफाइट इंडिया भी एक बहुत अच्छे
कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। ये देखिए एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, उससे बाहर निकल रहा है। आज लास्ट दो तीन दिनों में अच्छी कैंडल्स बनी है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बनी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इवन स्टेप्स जिसे हम फुटप्रिंट बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो मेरे ख्याल से अच्छी मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ मिल सकती है। बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रेफाइट में। और यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन खींचो तो ट्रेंड लाइन ब्रेक जो है ऑलरेडी ब्रेक होकर रिट्रेस्ट हो चुका है और वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो ग्रेफाइट को आप अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखिए। नेक्स्ट है ईक्लर्क्स। ईक्लर्क्स सर्विसेज देखिए, ईक्लर्क्स सर्विसेज में बहुत अच्छी एक ये ट्रेंड लाइन की ब्रेक हुई और यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर ईक्लर्क्स से मिल सकता है हमें। तो ईक्लर्क्स को भी आप अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखें। एंड फाइनली जो स्टॉक हम आपको था TCI देखिए, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए ऐसे बेस बनाया था, फिर ऊपर की तरफ गया था, ये बेस फेल हुआ, नीचे आई और अभी वापस एक फ्लैट बेस बनाकर ये आज ब्रेकआउट रजिस्टर कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हम भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस। और ये देखिए ब्रेकआउट जो थोड़े कम वॉल्यूम से हुआ लेकिन अबव एवरेज वॉल्यूम से, जनरली मार्केट जब कमज़ोर रहता है और जब स्टॉक्स ब्रेकआउट करते हैं तो थोड़े कम वॉल्यूम्स पे होते हैं, लेकिन एक बार इस पर फॉलो अप अच्छा मिलने लग जाए तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट पूरा जेन्युइन है। तो ये कुछ चार पांच स्टॉक जो हम लोगों को आपके साथ डिस्कस करने थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज का अपडेट पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।